नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं हिंदी रिपोर्टर नेटवर्क। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश कानून लागू किया है और ये कानून लागू होने पर युवा मोर्चा जगह जगह पर रैली का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए जगह जगह पर रैली का आयोजन कर रही है। आज वो फिर से गड़ी कैंट से एक रैली का आयोजन कर रही है और इस रैली का शुभारंभ करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ये रैली जो इस शहीद दुर्गामल मंडल जो है उसके युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष द्वारा निकाली जा रही है और इसमें पूरे प्रत्येक महानगर के जितने भी शहीद दुर्गा मंडल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे इसमें उपस्थित हैं और यह रैली ये हवा घर से होते हुए डाकरा बाज़ार से होते इसको पूरे बाज़ार से निकलते हुए वापसी यहीं पर ये समापन होगी। उद्देश्य यही है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो सख्त नकल कानून अध्यादेश यहाँ उत्तराखंड में लाए हैं, यह प्रत्येक जन जन तक जो भी परीक्षा बच्चे जो परीक्षा देने वाले प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उन सब के लिए यह एक संदेश है कि आज के बाद जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पारदर्शिता आएगी और प्रत्येक जो भी नकल माफिया है वो कटघरे में खड़े होंगे और जेल में होंगे। ये एक नकल माफियाओं के लिए एक कदम है बहुत बड़ा जिससे पूरी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता आएगी और सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार आपके बयानों को लेकर कितना हमलावर हो जाती है कि या फिर इसके पीछे की मंशा सिर्फ यह है कि आपको लेकर विरोध करना या फिर वो अपने कांग्रेस पार्टी को चमकाना चाहती है? अब कांग्रेस के नेता अपने फोटो भेजने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ काम तो है नहीं उनका। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती तो सेवा करती है और कांग्रेस सत्ता में आती तो दलाली करती है। आप देखिए, कांग्रेस के 10 साल के सेंटर के कार्यकाल में UPA 1 UPA 2 में जितने घोटाले हुए चाहे कोल घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सारे घोटाले जो हैं गोबर्स घोटाला हुआ सब कांग्रेस के ज़माने में हुए। तो कोई मैंने गलत थोड़ी कहा। अब कहो तो मैं घोटालों की आपको सूची दे देता हूँ कौन कौन से घोटाले हुए हैं, प्रदेश के अंदर उन्होंने क्या घोटाले किए। आज मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर है, 9 साल हो गए हैं, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं, बिल्कुल पारदर्शी सरकार दिल्ली में चल रही है। अब कांग्रेस को एक दिन काम मिल जाता है, पुतला उतला फूकने का जो है, पुतले वाले के पुतले बिक जाते हैं, कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि आज कांग्रेसी बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि न दिल्ली में उनकी सरकार है न प्रदेश में उनकी सरकार है, दलाली बंद है। तो कुछ तो करेंगे। अब बेरोजगार तो ना के बराबर हैं, अब रिमोशन कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हमने पटवारी एग्जाम कराया जो वास्तव में बेरोजगार थे वो एग्जाम देने जा रहे थे और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हुए थे, तो कहाँ से बेरोजगार हो गए। और आज नकल जितना सख्त नकल अध्यादेश हमने लाए हैं, नकल जो कानून हमने बनाया है, जगह जगह लोग आभार कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आभार करने के लिए आए हैं, इतना सख्त कानून हमने बनाया कि और प्रदेश के लोग भी उसको फॉलो करने जा रहे हैं। आज भी 5,000 से अधिक लोग आज परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें उस कानून का पालन किया जाएगा और जो अगर उसमें दोषी होगा तो उसको सजा दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।